Hey guys, आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स अपने डाइट में शुगर को इतना अवॉइड क्यों करते हैं और ऐसा करने से उनको क्या बेनिफिट होता है। तो गाइज, अगर आप किसी बॉडी बिल्डर या एथलीट या फिर किसी फिल्म स्टार को अगर आप फॉलो कर रहे हो, सो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये लोग शुगर को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं एंड आपको एनकरेज भी करते हैं। मैंने जॉन अब्राहम के एक इंटरव्यू में सुना कि इन्होंने अपना फेवरेट स्वीट लगभग 21 सालों से नहीं खाया। विराट कोहली एक समय अच्छे फॉर्म में नहीं थी, उनकी टीम आईपीएल हार चुकी थी, सो वो बहुत ही टेंशन में थे। वो जाके अपने आईने में अपने आप को देखते हैं एंड वो शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यार, एक इंटरनेशनल प्लेयर ऐसे कैसे दिख सकता है। सो दूसरे ही दिन से उन्होंने सारा का सारा डाइट अपना चेंज कर दिया एंड वो क्लीन डाइट खाने लगे और सारा का सारा शुगर उन्होंने अवॉइड किया। तो आज आप देख ही रहे, ये वर्ल्ड के नंबर वन बैट्समैन है और इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट इनके परफॉर्मेंस में आ चुका है। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट्स है शुगर अवॉइड करने के, चलिए जानते हैं। नंबर वन बेनिफिट, आप फैट गेन नहीं करेंगे। सो अगर आप फैट गेन नहीं करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा लाइट फील करेंगे। अगर एक स्पोर्ट्समैन, अगर उसकी बॉडी लीन है, उसके बॉडी में बहुत कम फैट परसेंटेज है, तो वो अपना पर्टिकुलर स्पोर्ट वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड जो बॉडी बिल्डर है भाई, उसको तो स्टेज पे चढ़ने नहीं देंगे अगर उसके बॉडी में फैट परसेंटेज अगर ज्यादा रहा तो। सो सेकंड बेनिफिट है कि आपको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। वो कैसे करेगा? चलिए, जैसे आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने न्यूट्रिशियस मील खा रहे हैं, इतना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीविटामिन, इतना कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए, राइट? सो अगर ये सारी चीजें आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो क्या होता है ना कि जब आप ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो आप अपने बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। सो इंसुलिन क्या काम करता है? आपके मसल्स में वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को आपके मसल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब आप इतना शुगर आप कंज्यूम करेंगे तो आप ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं इंसुलिन, तो आप स्पाइक किए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जब एक्चुअल उसकी बारी आएगी, वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, तो वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि आपकी ब्रेन की फंक्शन इंप्रूव हो जाती है एंड आपको डिप्रेशन से बाहर आने में भी मदद हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बताया, इंसुलिन क्या करता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स को आपके मसल्स में पहुंचाता है, राइट? तो आपके ब्रेन में भी ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। सो जब आप शुगर अवॉइड करते हैं तो क्या होता है कि आपके ब्रेन को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, सो इस वजह से आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता है एंड आप डिप्रेशन से बाहर आने में भी आपको मदद करता है। और जो एथलीट्स होते हैं उनको अपने गेम में अलर्ट रहने में मदद करेगा, उनको फोकस करने में मदद करेगा। और जो प्रेशर कंडीशंस होते हैं, जैसे अभी आईपीएल आ रहा है, उसमें प्रेशर कंडीशंस होंगे, तो ऐसे गेम्स के टाइम उनको डिसीजन मेकिंग में उनको मदद करेगा। एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेशन में मदद करेगा एंड उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गाइस, ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बेनिफिट जो आप गेन करेंगे शुगर को अवॉइड करने से। और बाकी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको गूगल पे इजीली मिल जाते हैं। तो ये जो है ये 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। तो क्या करना है? शुगर को अवॉइड करना है, पूरी तरह अवॉइड करना है? जी बिल्कुल नहीं, पूरी तरह तो कोई नहीं कर पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना हो सके आप ओकेशंस के लिए बचा के रखें, बर्थडे पार्टीज के लिए बचा के रखें, त्योहारों के लिए बचा के रखें, तो उतना ही आपको अच्छा भी लगेगा एंड आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। That's it for today guys, thanks for watching this video. अगर आपको ये video helpful लगा हो, so please hit the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe.